नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भोजपुर आरा के बारे में कि आरा का नाम आरा कैसे पड़ा, पहले क्या नाम था। बताया जाता है कि पहले मरध्वज का ये क्षेत्र था। बताया जाता है कि भगवान परीक्षा लेने के लिए ऋषि के भेष धर के पकड़ के इनके दरवाजा पर आए और बोले कि हे राजन, हमें भूख लगी है। तो मरध्वज बोले कि आइए स्थान ग्रहण कीजिए, हम भोजन पर भोजन लगाते हैं। तो बोले कि नहीं, हमको एक शर्त है। तो राजन बोले कि क्या शर्त है। तो बोले कि देखिए, हमको आरा के माध्यम से आपको बेटा को खाना है। आरा से काटिए, थाली में परोसिए और हमको खिलाइए, और भूसा भी नहीं होना है और आंसू भी नहीं बहना है काटते वक्त, तब हम खाएंगे, नहीं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तो मरध्वज बोले कि कोई दिक्कत नहीं, चलिए। उस वक्त तो उन्होंने सोचे ये कैसा परीक्षा है, लेकिन वो बोले कि कोई बात नहीं, हम ऐसा ही करेंगे। तो देखिए, एक तरफ बीवी उनकी और एक तरफ मरध्वज, दोनों ओर से चलाते हैं आरा, खून बहती है लेकिन आंसू नहीं गिरती है। तो जब कट जाता है बच्चा तो भगवान वहां प्रकट होते हैं और देखिए लड़का भी ठीक हो जाता है, मतलब खेलने कूदने लगता है, स्वस्थ हो जाता है। प्राचीन ग्रंथ महाभारत और रामायण के अनुसार आरा का प्राचीन नाम आराम नगर था। संस्कृत प्रकृति पाली में आराम शब्द का अर्थ वाटिका होता है, बगीचा होता है, जहाँ की आयरन देवी यानी कि वन देवी सुख समृद्धि के वर्षा करती थी। वहीं पकड़ी मोहल्ले के बारे में कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान बंकासुर का वध किया था। उस समय का बंकासुर के पिंडी पर आज भी कुछ जातियों द्वारा विधि विधान से पूजा किया जाता है। इतना ही नहीं, अयोध्या के राजा अपने पुत्र राम लक्ष्मण को जीवन की शिक्षा लेने के लिए इसी जनपद में बक्सर के महर्षि विश्वामित्र जी के पास भेजा था। आरा कैसे नाम पड़ा आपको जानकारी हुई? चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।